14 तारीख को होने वाले विधानसभा, आप सीटी ना बजाओ, यही टाइम है। चौदह फरवरी को जो आपने वोट डालने सोमवार को, जब तक इस नाम है उसके संदर्भ में आज मेरे आदर्श इंदिरा बंगाली आप सभी के द्वारा इतनी बड़ी बैठक बुलाई गई है। मैं अभी रामपुरा में 1000 से अधिक लोग थे मेरे साथ और ढोल नगाड़े के साथ बहुत बड़ा प्रचार हुआ, महिलाएं भी साथ में थी और ऐसा जबरदस्त, जब मैं बीजेपी के अंदर था कमल के फूल के लिए भी इतना भीड़ नहीं हुआ जितना आज सीटी के लिए हुआ। मेरा एक ही नारा है, मोदी जी से बैर नहीं और बेईमानों की। मैं अपने समर्थकों से कहता हूं, जब तिलक राज बेहड़ का टिकट काटा गया तो बेहड़ के समर्थकों ने और बेहड़ ने जूते साफ किए झंडे से, वो कमल के फूल वाले झंडे से जूते साफ किए और जूते को झंडे को आग लगाई, मालूम है ना आपको? मालूम है। मैंने अपने समर्थकों से कह दिया, झंडे से मेरी पहचान है, कोई इस झंडे का अनादर नहीं करेगा, झंडा उतार के साथ सम्मान रख दिया। बीजेपी की भी कोई बुराई नहीं करेगा, उससे राजकुमार टुकराल पैदा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी मेरी राजनीतिक माता है कि नहीं? बोलो, क्या मेरी पार्टी को कोई गाली दे अच्छा लगेगा? तो मैंने कह दिया, हमारा चुनाव सारे समर्थकों से पूछकर, लगभग 2500-3000 समर्थक थे, क्यों गोविंद राय, सबने मुझसे कहा कि आप चुनाव लड़ो। जब मेरा टिकट कटा तो मैं अपनी माँ के घर में पहुंचा, वैशाली करोनी में मेरी माँ के घर में 1000 से अधिक लोग थे उस समय, और रात को पूरी रात वहां पर भीड़ रही। मैंने सबसे कहा अगले दिन सुबह 10 बजे बैठेंगे, और 10 बजे भी हजारों की संख्या में लोग वहां पर आदर्श कॉलोनी मेरे ऑफिस में वहां पर पहुंच गए। सारी जनता ने कहा आप आजाद चुनाव लड़िए, आपके संग ना इंसाफी हुई। अरे फांसी के मुजरिम से भी उसका पक्ष सुना जाता है, जो मरने वाला होता है उससे भी पूछा जाता है कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है, मुझसे पूछा भी नहीं गया और मेरा टिकट काट दिया। अब इसकी कहानी बता दूं क्या है, मैं सरकार के पीछे 2 मामलों में पड़ गया, एक नजूल भूमि वाला, हाई कोर्ट भागा, सुप्रीम कोर्ट भागा, विधानसभा में हर सत्र में रखा और विधानसभा के अलावा कैबिनेट की मीटिंग में पास कराया। नजूल वाला कराया नहीं कराया, सरकार की नाक में दम कर दिया, असहज होगी सरकार, मुझसे दुखी हो गए। दूसरा, ये पुलिस वाले जो है, पीएससी और पुलिस वाले, इनको 4600 पे ग्रेड मिलना चाहिए, ये मामला विधानसभा के अंदर सिर्फ मैंने उठाया और ये काम उनका नहीं हुआ। अगर मैं आज कमल के फूल से लड़ रहा होता तो ये 9-10 हजार वोट जो है ये मुझे बिल्कुल नहीं मिलता, क्योंकि उन्होंने कह दिया था हम बीजेपी के खिलाफ वोट डालेंगे। लेकिन बजरंग बली ने ऐसी रचना रच दी कि इन्होंने मेरी टिकट काटी और 11-12 दिन तक मुझे दिल्ली और देहरादून में उलझाए रखा, पब्लिक की सहानुभूति मेरे पक्ष में हो गई, होगी कि नहीं होगी? तमाम लोग मुझसे जुड़ते गए, मेरा कारवां बढ़ता गया, आज जहां जा रहा हूं भगवान की बड़ी कृपा हो रही है, जन सैलाब जुड़ता जा रहा है। और इन लोगों ने ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया, क्या वो आपके आदर्श इंदिरा बंगाली कॉलोनी में कभी किसी गली कूचे में आया? जो व्यक्ति अलायंस में सबसे महंगी कोठी में रहता है, एसी लगे हुए, नहीं पहचानता, और टोटल भगवान की कसम एसी कोठी है, और आपको मेरी कसम उसकी जो कोठी बन रही है उसको देख के उसमें लिफ्ट लगी हुई, क्या लगी है एक बार देख लो, मेरी बात पे यकीन ना हो, राजकुमार टुकराल आदर्श कॉलोनी में रोज जनता दरबार लगाता कि नहीं लगाता? रोज सुबह 8:30 बजे बैठ जाता हूँ, अपने हाथ से केतली में जाकर डाल के चाय पिलाता हूँ कि नहीं पिलाता हूँ?
और ऐसे व्यक्ति को जो अलायंस में रहता है उसको मिलने के लिए एक बार आप चले जाओ कल, आपको मेरी कसम है, आप गेट पे जाओगे आपकी एंट्री होगी 15-20 मिनट, आधा घंटा उस काम में लगेगा, आधा घंटा। और फिर वहां जाओगे तो वहां गेट पे लोग खड़े होंगे, वीआईपी कोठी है, आपको मिलने में दिक्कत होगी कि नहीं होगी। ऐसा व्यक्ति जिसने अगर वो आज भी ये कसम खा जाए, अपने बच्चों की सौगंध खा जाए कि मैंने टिकट लेने के लिए कोई पैसा नहीं दिया, मैं अभी संन्यास लेता हूं। पहली बार मैं कमल के फूल से सभासद हुआ, मैं कमल के फूल से चेयरमैन हुआ, मैं कमल के फूल से 2012 में एमएलए हुआ और मैं बीजेपी से 2017 में एमएलए हुआ कि नहीं? कभी किसी को भगवान की कसम पैसा नहीं देना पड़ा। ये पहला अवसर है जो इतना भ्रष्टाचार पैदा हो गया, जिस व्यक्ति को जसपुर से खटीमा तक पूरे जिले की चिंता नहीं, उसको जिलाध्यक्ष बना दिया और वो रुद्रपुर की सीट में कीड़े डालता रहा, नरक कर दिया उन्होंने सब कुछ। आज जिले में 9 में से 8 सीटें पहले जीते थे, आज क्या स्थिति है? आज बहुत बुरा हाल है, आज भारतीय जनता पार्टी का बहुत बुरा हाल है। एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जिसको जनता के बारे में, जनता के मूड के बारे में नहीं पता कि जनता क्या चाहती है, और ऐसे व्यक्ति को अलोकतांत्रिक तरीके से पैसों की गोलमाल करके टिकट देके नक। मेरा टिकट काटा गया, क्यों काटा सुन लो, 2 मामलों में सरकार को असहज कर दिया, नजूल वाले में और पुलिस वालों का 4600 पे ग्रेड जो आपके पास में रहे। इसके अतिरिक्त 2012 में एमएलए में बना, मेरे से पहले एमएलए कौन था? कांग्रेस, बोलो हाँ। मेरे से पहले चेयरमैन कौन थी? कांग्रेस। 13 में सोनी कोहली को मेयर बनाया कि नहीं? कमल के फूल से। सबसे अधिक पार्षद बनाया कि नहीं? 2014 में राजकुमार टुकरालो पूरी टीम ने मिलकर भगत सिंह कोश्यारी को पूरे उत्तर भारत में सबसे अधिक 52,000 वोट से अपनी विधानसभा जिता के भेजी। ये रिजल्ट दिया मैंने एमएलए बनने के बाद, मेहनत की। 2017 में मुझे टिकट दिया, मैं उत्तराखंड का सर्वाधिक वोट प्राप्त करने वाला विधायक बन गया, हाईएस्ट स्कोरर। 18 में रामपाल को मेयर बनाया कि नहीं? कमल फूल। सबसे अधिक पार्षद बनाया कि नहीं? आपके इलाके की पार्षद को बनाने के लिए सुन लो ध्यान से, इस आदर्श इंदिरा बंगाली कॉलोनी की जो पार्षद बनी है, मैंने उसको अपनी बेटी बनाया और 3 महिलाओं को पैर छूकर उस बेटी के समर्थन में बैठाया कि नहीं? ये सच्चा कि झूठ? वो बेटी जो विनय विश्वास की पत्नी है, श्यामली विश्वास, उसको जिताने के लिए सारे तिकड़म किए और 3-3 प्रत्याशियों को उसके पक्ष में बैठाया। मेहनत की पार्टी के लिए सर्वाधिक पार्षद बनाए और 2019 में बिना यहाँ वार्ड में आए अजय भट्ट को लोकसभा में इतना वोट डलवा दिया कि उत्तर भारत का दोबारा रिकॉर्ड बन गया, 67,000 वोट। ब्लॉक प्रमुख बनाया, जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया। मेरे बाद कभी कमल का फूल डाउन हुआ क्या? मुझे ये सेवा मिलेगी? मेरा टिकट काट दिया जाएगा? अब आप बताओ, आपको मेरी कसम, मेरे साथ अन्याय हुआ कि नहीं? इस अन्याय के खिलाफ मेरे समर्थकों ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना है और आप नहीं लड़ोगे तो पूरा शहर आपके मुंह पर थूकेगा और ये दुनिया के कार्यकर्ता जो आज हजारों की तादाद में आपके साथ जुड़ रहे हैं, ये आपके पुतले फूकेंगे। मेरे को परसों अजय भट्ट जी ने कहा बैठ जाओ, मैंने कहा अब टाइम निकल गया, आप किसी अच्छे आदमी को टिकट देते मैं बैठ जाता। उत्तम दत्ता को देते थे, अनिल चौहान को देते, विकास शर्मा को देते, भारत भूषण चुप को देते, ये सुरेश परिहार को देते, मैं बैठ जाता। लेकिन एक बेईमान छल प्रपंची को टिकट दिया जो रोज राजकुमार टुकराल के खिलाफ प्लानिंग करता था, अपने ही कमल के फूल के विधायक को डाउन करने का काम करता था, तो क्या मुझे उसके पक्ष में बैठना चाहिए? आज वो व्यक्ति, आपने पिक्चर देखी बाहुबली? सबने देखी बाहुबली? बाहुबली पिक्चर के अंदर बल्लाल देव भी था। बल्लाल देव कौन था? खलनायक था। बल्लाल देव ने बेटा तो बाहुबली भी अपनी माँ के खिलाफ नहीं था, पर दूसरा बेटा बल्लाल देव छल प्रपंच से माँ को बाहुबली के खिलाफ कर देता है, पर राज्य की प्रजा तो फिर भी बाहुबली को चाहती। राजकुमार टुकराल।
जैसे मेरी माँ से, वो मेरी राजनीतिक माँ है, मैं तो आज भी मानता हूँ, और जो एहसान नहीं मानता वो उस एक नंबर का एहसान फरामोश है। आज भी मेरी वो राजनीतिक माँ है, क्यों गोविंद राय जी? जी एक परिवार में चार बेटे होते हैं, एक बेटा अपनी माँ से अलग रहता है, मेरे साथ वही कहानी हुई है। मेरी माँ है, हम चार भाई हैं, मैं अपनी माँ से अलग रहता हूँ, लेकिन जिस दिन माँ से ना मिलूं उस दिन मुझे चैन नहीं पड़ता। मैं डेली रात का खाना मैं अपनी माँ के यहाँ से खाता हूँ, सुबह का नाश्ता मेरी पत्नी बनाती है, और दोपहर का खाना मैं अपने गुरु के यहाँ खाता हूँ जिसकी नौकरी करता हूँ, आमी राधा स्वामी मंदिर, समझ गया? और रात का खाना मैं अपनी माँ के हाथ से खाता हूँ जिस माँ ने मुझे पैदा किया। मेरे तीन भाई इकट्ठे रहते हैं और मैं अलग रहता हूँ, लेकिन जिस दिन माँ से ना मिलूं उस दिन मुझे चैन नहीं पड़ता। तो आप ये समझ लो, भारतीय जनता पार्टी वो माँ है जिसके चार बेटे हैं। राजकुमार ठुकराल उस छल प्रपंच के चलते कुछ समय के लिए अपनी माँ से अलग होकर किराए के मकान में रह जा रहा हूँ, और जो मेरे माथे पर कलंक का टीका लगा है उस कलंक के टीके को धोने के बाद मैं अपनी माँ के आंचल में आ जाऊंगा। निकलो बाहर मकानों से, बेईमानों से। मैं आज तक विधायक होने के बाद कभी मदरसे या मस्जिद में या मजार पे नहीं। एक तरफ कांग्रेस की प्रत्याशी, जितनी बात मैं कह रहा हूँ मैं आ रहा हूँ वहीं आ रहा हूँ। मैंने अभी अभी 1 करोड़ रुपए की लागत से इस शहर की सबसे बड़ी हिंदू बस्ती रामपुरा के अंदर हिंदू बरादर बनाया, जो हमारे बंगाली समाज का काली मंदिर है उसके नीचे देख के आइए कितना सुंदर। 1 करोड़ रुपए की लागत से सिटी क्लब की तर्ज पर एक हिंदू बरादर बनाया, लेकिन इन लोगों ने क्या बनाया? जामा मस्जिद के साथ मुस्लिम बरादर। पहली बार इतिहास में हुआ है कि जिसको बीजेपी का टिकट मिला ना छल प्रपंची को, वो फरजाना बेगम के साथ इंदिरा चौराहे पर मासूम मियां की मजार पर गया और वहां हरे रंग की चादर चढ़ाई। ये पहली बार किसी बीजेपी वाले का चरित्र है, आप समझ गए ना? दोनों छलकपटी हैं। मैं तो जब तक राजकुमार ठुकराल जिंदा है हिंदू की बात करूंगा, हिंदू की बात या सिख की बात, सिख की इसलिए करूंगा कि गुरु गोविंद सिंह ने कभी किसी जमाने में, हम इतिहास पढ़ते हैं, हिंदू धर्म की रक्षा की थी, इसलिए मैं सिख कौम की तारीफ करता हूं। मेरा पैसा गुरुद्वारे में लगा, मंदिर में लगा, कोई माइका लाल कह देगा हम इस संन्यास लेगा, कभी कभी चुनाव नहीं लड़ेगा। मेरे खिलाफ सोशल मीडिया में 2 मैसेज आए, अगर आपने पढ़े होंगे तो आप पढ़ लेना, 2 अक्टूबर 2011 का हिसाब लेंगे, समझ गए आप लोग? ये चुनाव में पहले तो मस्जिदों से ऐलान होता था कि ठुकराल काफिर को वोट मत डालो, काफिर सबसे गंदी गाली है, सबसे गंदी गाली काफिर उर्दू में। पहले कहते थे ठुकराल काफिर को वोट मत डालो, आज क्या कहते हैं? जो मैसेज आया है 2 अक्टूबर 2011 का हिसाब लेंगे, आ गया टाइम 14 फरवरी को मुझसे हिसाब लेने का, अर्थात कोई भी मुसलमान मुझे वोट ना दे। एक और आया है, एक कोबरा ट्रक के टायर के नीचे कुचला गया, यानी मैं कोबरा हूं, मैं कोबरा हूं, और मेरा टिकट नहीं मिलने पर मैं ट्रक के नीचे कुचल के मारा गया, ये लिखा उन्होंने, एक कोबरा ट्रक के टायर के नीचे कुचला गया। जो लोग मेरे सामने चुनाव लड़ रहे हैं, अगर वो कसम खा जाए कि हमने किसी भी प्रकार का कोई पैसा कहीं नहीं दिया टिकट लाने के लिए, तब भी मैं संन्यास लेने को तैयार हूं। जो आदमी पैसा खर्च करके आया, जो हम सुन रहे हैं कितना करोड़ सुन रहे हैं, 3 करोड़ 5 करोड़ 5 5 5, जो आदमी इतना पैसा खर्च करके टिकट लाया है, क्या पहले वो वसूली करेगा? नहीं करेगा, करेगा। कोई एक आदमी बता दो राजकुमार ठुकराल ने आज तक किससे पैसा लिया? एक आदमी निकल के आ जाएगा हम इस संन्यास लेगा, जिंदगी में चुनाव नहीं लड़ेगा, एक व्यक्ति निकल कर आ जाए। लेकिन जो व्यक्ति पैसा खर्च करके टिकट लाया वो वसूली करेगा? नहीं करेगा, करेगा। आपकी पकड़ में नहीं आएगा। मैं उनको भी कहना चाहता हूँ जो 2-4 हमारे भाई उसके साथ बीजेपी का झंडा लेके चल रहे हैं, जब राजकुमार ठुकराल जितने इतना पराक्रम किया, तिलक राज बेहड़ जैसे आदमी को समाप्त किया, कभी उसका जलवा था अमरीश पुरी का? एक पिक्चर थी करण अर्जुन, उसका मुनीम क्या कहता है, ठाकुर तो एक बार बोल दो यार, अपना ठाकुर ओ
कोई ठाकुर तो राजकुमार ने बुला के डर के मारे चला गया, किच्छा चला गया, नहीं चला गया वो हमारा कहता है ठुकराल के सामने हमें चुनाव नहीं लड़ेगा, पहले 4,000 से फिर 25,000 से, ठीक है वो कहता है हम ठुकराल के सामने चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब वो किच्छा चला गया। लेकिन आज जो व्यक्ति टिकट लेके आया है, अगर हमारे कुछ भाई बीजेपी का चुनाव इस वार्ड में लड़ा रहे हैं तो ये समझो वो अपनी कौम को, अपने समाज को, आदर्श बंगाली करोनी को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि जब आदमी एमएलए बनने के बाद मेरा कोई फैक्ट्री है क्या? नहीं है। जोर से बोलिए नहीं है। और अगर कुछ हो तो मेरे मुंह पे कहना कोई फैक्ट्री है? नहीं है। कोई कारखाना है? नहीं है। कोई पेट्रोल पंप है? नहीं है। कोई कृषि कार्य वाली एग्रीकल्चर लैंड है? नहीं है। कोई स्कूल है? नहीं है। कोई कॉलेज है? नहीं है। किसी प्रकार का कोई शोरूम है? नहीं है। मेरा शोरूम क्या है? आप सब मेरा शोरूम, मैं सेल्समैन हूँ आपका शोरूम, मैं सेल्समैन रोज बैठता हूँ, जितनी तनख्वाह आपकी वजह से मिलती है, मेरी पत्नी हक हलाल की कमाई लेती है, मेरी पत्नी के सामने हराम की गंदी कमाई की बात कर लो तो वो झगड़ा करने पे उतारू हो जाती है, 30,000 रुपए उसको राशन पानी के लिए चाहिए महीने, 30,000 रुपए, 1 रुपया भी फालतू नहीं चाहिए उसको। आपकी वजह से जितनी तनख्वाह मुझे मिलती है, जितने पैसे मेरी जेब में होते हैं शाम को भगवान की कसम उतने ही वापस आते हैं, कोई खर्चा नहीं है, कोई पान बीड़ी सिगरेट मीट अंडा शराब मछली मुर्गा दारू बियर मैं किसी चीज का सेवन नहीं करता। क्या मैं शराब पीता हूँ भाई? नहीं, किसी भी चीज का सेवन नहीं करता। जब मैं कोई घोटाले में शामिल नहीं, किसी स्कैंडल में शामिल नहीं, पैसा मैं किसी से लेता नहीं, तो मेरा टिकट क्यों काटा गया? अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? इस अन्याय को न्याय में परिवर्तित करने के लिए और राजकुमार ठुकराल के माथे पे जो कलंक का टीका उसको धोने के लिए आप सब मेरे पिता बनकर, मेरे भाई बनकर, मेरी बहन बनकर, मेरी माँ बनकर, मेरी बेटी बनकर, मेरे बेटे बनकर, मेरे भतीजे बनकर मेरी रक्षा करो और 14 तारीख को आदर्श इंदिरा बंगाली कॉलोनी से सारा वोट देखो देखो कौन आया। आज मैं सुबह 7 बजे, आज सुबह गोविंद राय जी, गणेश जी, 7 बजे मैं पहले हरिनगर में था और फिर मैं धर्मनगर में था, मैं तो सिटी सिटी कह रहा था। एक बंगाली महिला आई, हमारी बहन, माँ काली का मंदिर बनाकर तैयार करती है, जहां जहां अखंड मां नाम कीर्तन होते हैं, जहां जहां मेरी दुर्गा पूजा होती है, अनेक जगह पर लेंटर डाल दिया है और कई जगह पर शेड डाल दिया है। सबसे बड़ा शेड डाला मैंने खानपुर नंबर 1 में और सबसे बड़ा लेंटर डाला मैंने आनंद खेड़ा नंबर 3। ये पवित्रता के साथ, जो लोग भी हराम का पैसा, गंदा का पैसा कमाते हैं वो समझ लो एक एक रुपए का हिसाब देना पड़ेगा, एक एक रुपए का हिसाब देना पड़ेगा। आज पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है मेरे खिलाफ, लेकिन इनके पैसे के सामने मुझे क्या चुनाव चिन्ह मिला? सिटी। अरे जिस व्यक्ति को 10 साल तक आपने अजमाया, जिस व्यक्ति को 10 साल तक अजमाया, जो आपकी कसौटी पर बिल्कुल खरा उतरा, उसको क्या चुनाव चिन्ह मिला है? सिटी चुनाव चिन्ह मिला है। कोई मेरी विधानसभा में मैं वही आ रहा था, लेकिन आपने मजा खराब, आपने मुझे सिटी दिया। आज पूरे गली मोहल्लों में हजारों सिटी बट रही है, मार्केट में सिटी समाप्त हो गई। ये वीडियो मेरे को दिया नहीं। जो सिटी मुझे मिला है 10 साल तक, इस शहर के अंदर कोई रंगदारी नहीं हुई, कोई दंगा नहीं हुआ, कोई पैसा वसूली नहीं, कोई कमीशन खोरी नहीं, अगर हुई है तो मुझे बताओ। लेकिन मैं ये सिटी बजाकर एक चौकीदार की तरह पूरी विधानसभा की रक्षा करूंगा, किसी को आपके खजाने पर डाका डालने नहीं। अक्टूबर 2011 को दंगा हुआ था, उससे पहले कौन हावी था आपको पता है? क्या दंगे के बाद कोई हावी होने का प्रयास कर रहा है आपके शहर में? क्योंकि आपका चौकीदार बड़ा मजबूत है कि नहीं? 10 साल तक चौकीदारी की मैंने,
और किसी को उठने दिया रुद्रपुर के अंदर, वो सब करना तुम वहां जाके करो। पश्चिमी बंगाल में 37.8% है, वहां हमारे हिंदू बंगालियों का वोट भी वो लोग डालते हैं। आज वहां जो स्थिति है, क्या यहाँ पर बननी चाहिए ऐसी स्थिति? एक सरकार है अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान का राष्ट्रपति सरकार चला रहा है, तालिबानी आतंकवादी आते हैं राष्ट्रपति भवन में घुस जाते हैं, घुसते नहीं घुसते तो वहां का राष्ट्रपति अपनी गाड़ी के अंदर नोट भर के और ले जाता है। सुना ना, अखबार में पढ़ा। तो क्या तुम चाहोगे वो तालिबानी आतंकवादी आए और आपके आदर्श इंदिरा बंगाली कॉलोनी को लूट के ले जाए? उन तालिबानियों से बचने के लिए आपको 14 तारीख को अनिवार्य रूप से अपना भाई जो संकट रूप में 2 अक्टूबर को आया था, मैंने पीठ तो नहीं दिखाई, मैं कायर तो नहीं बना, 302 का कत्ल का मुकदमा किस पे चल रहा? अगर उस दिन गोली लग जाती मेरे बच्चों को कोई पूछने में नहीं जाता, अगर मैं पकड़ा जाता मैं 6.5 महीना अपनी बेटियों से दूर रहा। चुप। जिस दिन मेरे घर की कुड़की हुई, मेरे बच्चे सड़क पर नीचे सोए थे। मेरी माँ, मेरी पत्नी और मेरी 2 बेटियां जमीन पर सोई थी, मेरे घर की कुड़की हो गई थी। उससे ज्यादा रोने वाला दृश्य नहीं हो सकता। अभी मेरा टिकट कटा ना जब, तो 26 तारीख की रात को टिकट कटा। मेरी छोटी बेटी राजस्थान में कोटा में पढ़ती है, मेडिकल की कोचिंग कर रही है। वो इतना रो रो के मुझे फोन करती है, मैंने कहा बेटे आप पापा को कमजोर कर रहे हो। मैं रोया लेकिन मैंने कहा बेटे पापा को कमजोर कर रहे हो। उसके बाद रात को लगभग 1 बजे मैं अपने बच्चों के पास गया, बड़ी बेटी और मेरी पत्नी। माँ का रो के बुरा हाल, भाइयों का रो के बुरा हाल। तो मेरी पत्नी मुझे कहती है जितना रो सकते हो तो अभी रो लो, अपना मन हल्का कर लो। रात के लगभग 1:30-2 बजे तक हम लोग आपस में बातचीत करते रहे कि हमारे साथ क्या हो गया, हमने कोई पाप नहीं किया तो हमारा टिकट काट दिया। आपको बता दूं, दल बदल कानून लागू किया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, प्रधानमंत्री, एंटी डिफेक्शन लॉ। वो दल बदल कानून के नाते अगर मैं जैसे विधायक हो गया तो मैं अपना दल नहीं बदल सकता। मैं MLA बन जाता अगर कमल का फूल मिलता तो मैं 50,000 से अधिक वोट से आपको चुनाव उठाता, क्योंकि मैंने कास्ट किया। 10 साल के अंदर आपकी तहसील मेरे विधायक बनने से पहले कहां थी? रुद्रपुर लाया कि नहीं लाया? अभी दोबारा विधायक बनने के बाद अपनी आदर्श इंदिरा बंगाली कॉलोनी में राजकीय सरकारी स्कूल लेके आया कि नहीं आया? बोलो। पहले 5 साल तक अमरीश पुरी ने हमारे यहाँ स्कूल नहीं खुलने दिया, मैं झूठ कभी नहीं बोलूंगा। अनाज मंडी बना रहा हूँ, लगभग बन गई है ANJA स्कूल की जमीन के पीछे और उसके डिग्री कॉलेज के पीछे अनाज मंडी बनके तैयार हो गई। अगर 25 ट्राली अनाज आ जाए गल्ला मंडी में तो जाम हो जाता नहीं होता? आपके शहर में जाम से छुटकारा दिलाने के लिए 46.88 एकड़ पर ट्रांसपोर्ट नगर बना रहा हूँ ANJA स्कूल की जमीन पर, 46.88 एकड़ पर ट्रांसपोर्ट नगर बना रहा हूँ। इस इलाके में उत्तराखंड राज्य का सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा आपके गांधी पार्क में लगवाया, अच्छा काज है कि नहीं? अभी देखो झंडा कितना अच्छा लगता है, मुझे लगता है यहाँ से भी दिखता हो। 1 करोड़ रुपए की लागत से हिंदू मंदिर बनाया, खुलेआम कह रहा हूँ, काली मंदिर के नीचे रामपुरा में 1 करोड़ रुपए की लागत से ऐसे ऐसे काम किए, अगर मैं बताऊंगा तो पूरी रात निकल जाएगी। नजूल का मामला था, वो रामपाल को जितवाने के लिए हमें प्रतिज्ञा लिया, अगर नजूल का समाधान नहीं करेगा तो फरवरी 2022 में जो चुनाव होने वाला है वो हमी नहीं लड़ेगा। अब समाधान किया और आधा दर्जन लोगों को सरकार के 5 साल पूरे होने के कार्यक्रम में गांधी पार्क में आधा दर्जन लोगों को फ्री होल्ड का पट्टा बांटा। 8 तारीख को आचार संहिता लग गया, नहीं तो अब तक तो कईयों को बांट दिया होता। शासनादेश करा के पूरे प्रशासनिक मशीनरी को हरकत में लाकर 7 तारीख को मैंने पट्टे बांटे। तो नजूल का मामला हुआ कि नहीं हुआ? एक दिन ऐसा भी आएगा आदर्श इंदिरा बंगाली कॉलोनी में 50 वर्ग मीटर में जो लोग बैठे हैं उन सबको आवासीय रूप से फ्री होल्ड किया जाएगा। अर्थात आज आपके पास जमीन का मालिकाना हक नहीं है, ये मिलेगा तो राजकुमार ठुकराल की कुर्बानियों से मिलेगा। ये कुर्बानी आज जो मेरा शोषण कर रहे हैं। अब मेरा एक निवेदन और भी है, आप
ना, ना कोई नहीं आता। हमारे लोग क्यों जाते हैं वहाँ पर? हमारे लोग सब जाते हैं, उनको वोट चाहिए। शमशान घाट को वो नापाक समझते हैं। हमारे किसी की डेथ हो जाए तो हमारा कितना बड़ा दोस्त हो, लेकिन वो शमशान घाट में नहीं जाता। हमारे नीच अधर्मी पापी वहां जाके कब्रिस्तान में मिट्टी चढ़ाते। फिर मैं संकट आया था, मैं खड़ा हुआ कि नहीं हुआ? आज मेरे ऊपर संकट हुआ, आप लोग खड़े हो गए नहीं हो? बिल्कुल खड़े। राजकुमार ठुकरे जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज मैं कोई भाषण नहीं दे रहा है, आज मेरे मन की बात थी जो मैंने आपके आगे कही। आज मैं संकट में, मेरा परिवार संकट में, मैं कोई भी हिंदू समाज के ऊपर संकट आता है मैं डट के खड़ा हूँ। लेकिन आज मुझे आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। 14 तारीख को आपका सबका वोट, चाहे पूरे गांव में पैर छूने पड़े किसी के, टोटल वोट हमको आपका बहुत बहुत ये कहाँ पर? चलो 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 जैसे हमारे आवाज छुट्टी दिया गणेश गणेश गणेश
सुनो बोलो जय श्री राम जय श्री राम दुर्गा माई की। अगर हम सब लोग घर घर में अपना चुनाव निशान सीटी पहुंचाने में कामयाब हो गए तो हम कई हजार वोट से चुनाव जीत जाएंगे। ये सीटी चुनाव चिन्ह आज भी बुजुर्ग महिला वो जानती है कि राजकुमार टुकराल का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है, उसको बताने की आवश्यकता है कि टुकराल का टिकट काट के अन्याय किया है, उसके बाद वो आजाद उम्मीदवार पब्लिक के कहने पर खड़ा हुआ तो उसका चुनाव निशान सीटी। ये सीटी अरे देखो देखो कौन जो मीटिंग की है और मेरा उत्साह बहुत बड़ा है। सुबह 6 बजे से मैं लगा हूं और आनंद आ गया आज आपके कार्यक्रम की जोरदार सब लोग तालियां बजाएं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद काम पे लग जाओ घर घर चले जाओ और बुजुर्गों को समझाओ कि चुनाव चिन्ह कि आप लोगों को पता ही होगा कि राजकुमार टुकराल जी को रुद्रपुर से कोई टिकट ना मिलने पर राजकुमार टुकराल जी अपनी अलग से इलेक्शन लड़ रहे हैं और लगभग लगभग उनके काफी चांस है जीतने के, तो हमें तो अभी पता नहीं चलेगा, पता चलेगा 14 तारीख को, ठीक है 14 फरवरी को 2022 इलेक्शन के टाइम है, तो आपको पूरा इलेक्शन का माहौल दिखाएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को कर दो सब्सक्राइब और ऐसी अमेजिंग फैक्ट वाली अमेजिंग ब्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को कर दो सब्सक्राइब। क्या आपको भी लगता है मैं कुछ न्यूज रिपोर्टर की तरह बात कर रहा हूँ? ब्लॉग छोड़ दूँ क्या या न्यूज रिपोर्टर बनूँ? नहीं मैं तो ब्लॉगर हूँ ना। हाँ चलो कोई ना, तो लाइक करो फॉलो करो और मिलते हैं, बाय बाय।